यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके, जहां बीजेपी की आंधी में सभी विपक्षी दल उड़ गए। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 17 मेयर सीटों पर कब्जा किया। वही चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर वार्ड, सभी में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी है। लेकिन इन बातों से अलग यूपी में आम आदमी पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर आपके उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसके बाद यूपी के शहरों की राजनीति में आपकी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस पर खुशी जताई है। प्रेस से बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में उसके उम्मीदवार की जीत इस बात का संकेत, राज्य के लोगों ने धर्म और जाति की राजनीति से उठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति का समर्थन करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम में कई वार्ड के साथ 3 नगर पालिका अध्यक्ष सीट, 6 नगर पंचायत अध्यक्ष सीट और 6 नगर निगम पार्षद सीट पर जीत हासिल की। राज्य चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों के मुताबिक विभिन्न सीट से विजय हुए आपके आधे से अधिक उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने आप उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर परिवर्तन की राजनीति के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने जाति और धर्म आधारित राजनीति को खारिज कर दिया, केजरीवाल के विकास उन्मुख राजनीति का समर्थन किया। संजय सिंह ने कहा, आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल निकाय चुनावों में मिली भारी समर्थन के साथ लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए जल्दी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे।